हेलो एवरीवन, आज मैं आप लोग के साथ होम रेमेडी क्लीन अप शेयर करने वाली हूँ। तो वीडियो को लास्ट तक देखिएगा, इसको कैसे बनाया जाता है, कैसे लगाया जाता है, इसके क्या बेनिफिट होते हैं, फुल डिटेल में इसमें इस वीडियो में बताने वाली हूँ। तो वीडियो को लास्ट तक देखिए। इसके लिए हमें क्या क्या चीज़ों की आवश्यकता होगी। पहला तो टमाटर चाहिए, इस तरह से हल्दी चाहिए और शुगर, जैसा कि चीनी सभी के किचन में होते हैं और बेसन भी सभी के किचन में मिल जाते हैं आसानी से। और आपको क्या करना है, एक बड़ा चम्मच बेसन लेना है और उसी में आप एक छोटा चम्मच हल्दी मिक्स कर लेंगी और उसके बाद थोड़ा सा गुलाब जल ऐड करके इसको मिक्स कर देंगे, एक पैक बनाएंगे। ये हमारा पैक हो गया। गुलाब जल इतना ऐड करेंगे आपका गाढ़ा सा लेप बन सके। देख सकते हैं मैंने गुलाब जल इतना ऐड किया है ताकि ये फेस पे अच्छे से अप्लाई हो सके। और उसके बाद टमाटर का जूस आपको निकाल लेना है, उनमें एक छोटा चम्मच जो है शुगर आपको ऐड कर लेना है। ये हमारा स्क्रबिंग बन गया। अब इस दोनों को कैसे ट्राई करना है, कैसे लगाना है, इसका क्या रिजल्ट आता है, सब मैं इस वीडियो में बताने वाली हूँ। इसको कोई भी रेमेडी या कोई भी क्लीनअप, कोई भी फेशियल कहीं भी करने से पहले घर पे या पार्लर में, उसके पहले हमारा फेस क्लीन होना चाहिए। तो अगर आप घर पे हैं तो अपने फेस को फेस वाश या साबुन से क्लीन कर लीजिए। अभी मैं पार्लर में हूँ इसलिए मैं जो है टिशू से अपना फेस क्लीन कर रही हूँ। देख सकते हैं मैंने कुछ भी ऐसा नहीं ट्राई किया है, फिर भी मॉइस्चराइजर थोड़ा सा अप्लाई किया है और थोड़ा सा धूल मिट्टी आने जाने में लग जाता है, तो उसको मैं देख सकते हैं क्लीन करके आपको दिखा रही हूँ। जैसा कि मैं एक ब्यूटिशियन हूँ और मैं कोई भी ऐसा गलत चीज़ नहीं आप लोग के साथ शेयर करूँगी। इस रेमेडी को ट्राई करने के बाद आपके स्किन पे एक से दो टोन आपका स्किन लाइट हो जाएगा। और ये रेमेडी आप कहीं अगर शादी में जा रहे हैं, कहीं आपको अचानक जाना पड़ा, आप पार्लर नहीं जा पा रहे हैं, तो आप घर पे ट्राई कर सकते हैं। देख सकते हैं मेरे फेस पे कैसा मेरा फेस इस समय हुआ है। और रेमेडी ट्राई करने के बाद भी मैं आपको दिखाऊंगी मेरे फेस पे कितना रिजल्ट आया, मेरा स्किन कितना टोन लाइट हुआ है। तो आपको क्या करना है, जो टमाटर और शुगर हमने ऐड किया है उसको आप ब्रश से या फिंगर से, अगर आपके पास ब्रश नहीं है तो फिंगर से आप फेस पे ऐसे अप्लाई कर लेंगे पूरे फेस पे। जैसा कि आप लोग जानते हैं जो टमाटर का जूस होता है काफ़ी हेल्पफुल होता है हमारे स्वास्थ्य के लिए, तो वैसे हमारे स्किन के लिए भी बहुत ही हेल्पफुल होता है। कोई भी सब्जी, हरी सब्जी हो या फल हो, अगर आप लोग कमेंट करिएगा तो मैं उस पर भी बताऊंगी कि उसको भी कैसे पैक के तरह यूज किया जाता है। तो आप उसको भी घर पे ट्राई करके अपने फेस का केयर कर सकते हैं। देखिए, ये नेचुरली चीज़ें हैं जिससे हमारे फेस पे कोई भी साइड इफ़ेक्ट नहीं होगा। अगर किसी को होता भी है तो वो बहुत ज़्यादा साइड इफ़ेक्ट नहीं देगा, कोई भी केमिकल नहीं यूज है इसमें, एकदम जो है नेचुरली चीज़ है ये, हमारे कुदरत से जो निकलता है वो है, उससे हमारे फेस को काफ़ी ग्लो मिलेगा, काफ़ी लाइट होगा हमारा स्किन, काफ़ी हेल्थी होगा। और इसको जो है आप हफ्ते में 2 से 3 बार ज़रूर ट्राई करें। अगर नहीं कर सकते हैं तो आप हफ्ते में 1 बार भी ट्राई कर सकते हैं। और इससे हल्के हल्के हाथों से हम फेस का मसाज करेंगे ताकि आपके स्किन पे जो भी ब्लैक हेड्स, वाइट हेड्स है वो रिमूव हो जाए, सन टैनिंग है वो भी रिमूव हो जाए, और इससे आपकी स्किन जो है ग्लो करेगी और आपके ब्लैक हेड्स, वाइट हेड्स रिमूव हो जाएंगे। अगर आपकी एज 30+ है तो आपके यहाँ की ये वाले मसाज ज़रूर आप करें, इससे आपके फेस की जो ये हड्डियाँ हमारी निकल रही हैं तो यहाँ पे आपकी हड्डियाँ अगर ऊपर की साइड जाएगी तो उसको कुछ कम हो जाएगा मसाज करने से। देख सकते हैं, अगर आपको ड्राई फील हो तो आप थोड़ा सा और ले लेंगे जो आपने घोल बनाया हुआ है। नोज़ पे काफ़ी ज़्यादा ब्लैक हेड्स, वाइट हेड्स होते हैं तो उसको भी अच्छी तरीके से स्क्रबिंग करेंगे। पर मेरे फेस पे कोई भी ब्लैक हेड्स, वाइट हेड्स नहीं है, पर जिसके हैं वो 5 से नहीं 7 से 8 मिनट तक मसाज करेंगे इससे और उसके बाद फेस को क्लीन कर देंगे। ये रेमेडी काफ़ी हेल्पफुल होगी आप लोग के लिए, तो वीडियो को पूरा देखिए आप लोग। और उसके बाद जो बेसन और हल्दी का पैक हमने बनाया हुआ था उसको फेस पे अप्लाई करेंगे। कोई भी पैक आपको जो है अच्छी तरीके से अप्लाई करना होता है, फेस पे लगी रहने देंगे ताकि वो ड्राई हो जाए और उसके बाद उसको रिमूव करेंगे।
और 15 मिनट मेरा हो चुका है और उसके बाद पैक काफ़ी ड्राई हो जाता है, तो आपको ऐसे ही रिमूव नहीं करना है। थोड़ा सा गुलाब जल और थोड़ा सा पानी ऐड करके उसको मसाज करना है ताकि आपकी स्किन में जो भी पैक लगा है, ड्राई हुआ है, वो एकदम स्मूथली हो जाए, ताकि हमें रिमूव करने में कोई दिक्कत ना हो, फेस से अच्छी तरीके से रिमूव हो जाए। और इस स्टेप जैसे स्टेप में मैं मसाज कर रही हूँ, इस तरह से आपको 5-7 मिनट तक मसाज करते रहना है फेस पे, उसके बाद रिमूव करने के बाद देख सकते हैं फेस पे कितना अच्छा ग्लो आया है। मैंने ट्राई करने के पहले भी अपना फेस दिखाया था और ट्राई करने के बाद भी दिखा रही हूँ। अगर हमारा वीडियो आपको पसंद आया होगा तो प्लीज़ लाइक ज़रूर करिएगा, चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, बेल आइकन की घंटी प्रेस ज़रूर करिएगा, ताकि ऐसे नोटिफिकेशन आप लोग को मिलती रहे, मैं ऐसे ही लेटेस्ट वीडियो लेके आती हूँ। और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दूसरे चैनल का लिंक है, इंस्टाग्राम का लिंक है, तो प्लीज़ उस पर भी फॉलो करिएगा और विजिट करिएगा। अपना ढेर सारा प्यार और सपोर्ट ऐसे हम पे बनाए रहिएगा। नेक्स्ट वीडियो में फिर